एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी इन दिनों बिग बॉस ओटीटी में दिखाई दे रही हैं। शमिता के लिए शो में आने का फैसला काफी मुश्किल था क्योंकि उनका परिवार अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। शमिता के जीजू राज कुंद्रा पिछले एक महीने से जेल में हैं। हाल में ही शमिता शो में इमोशनल हो गई और कहा कि उन्हें घर वापस जाना है। दरअसल शो में शमिता के कंटेस्टेंट निशांत के साथ लड़ाई हो गई। कहा सुनी के बाद शमिता फूट फूट कर रोती हैं और कहती हैं कि वो अपने परिवार के पास घर जाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मेरा परिवार अभी बहुत कठिन समय से गुजर रहा है और मैं एक मूर्ख की तरह शो में आई हूं और घर वालों को ये साबित करने की कोशिश कर रही हूं कि मैं अच्छी हूं। इस बीच शमिता को शो में एंग्जाइटी अटैक आता है। वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती हैं। बाद में शमिता को मेडिकल रूम में बुलाया गया और उनका इलाज किया गया। वहीं कल रक्षाबंधन के मौके पर शमिता के लिए शिल्पा शेट्टी ने एक स्पेशल वीडियो मैसेज भेजा। मैसेज में शिल्पा शेट्टी ने बताया कि वो दोनों अतीत में भाई थे। साथ ही शमिता को कहा कि उन्हें शानदार ढंग से खेलना चाहिए और अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। शिल्पा ने बताया कि उनकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा है और उनके साथ सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि शेट्टी सिस्टर्स का कोई भाई नहीं है, पर शिल्पा हमेशा शमिता को राखी बांधती आई हैं और इस बार शमिता के शो में होने की वजह से शिल्पा उन्हें राखी नहीं बांध पाई। वहीं शो के दौरान ही शमिता का दर्द झलका था। शमिता ने करण को बताया कि कैसे वो इंडस्ट्री में पिछले 20 से 25 सालों से अपनी बहन की पहचान के साथ जी रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। लोग मुझे शिल्पा की बहन के रूप में ज्यादा जानते हैं। ये एक प्रोडक्टिव शैडो है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसा है, लेकिन लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते। शमिता पिछले 2 हफ्तों से शो में हैं और कई बार राज कुंद्रा के नाम का ताना भी मारा गया। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।